वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एबी एडुकेशन। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 का चैप्टर 15 जो कि है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 15 ए का क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। नौ क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 10। देखिए 10 नंबर क्या कह रहा कि अ वॉल 15 मीटर लॉन्ग 30 सेंटीमीटर वाइड एंड 4 मीटर हाई दिया हुआ इज मेड अप ऑफ ब्रिक, जो कि किससे बना हुआ, ईट से बना हुआ। ईच मेजरिंग 22 सेंटीमीटर, जो ब्रिक्स का जो दिया हुआ है मेजरिंग वो 22 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर। इफ अगर 1/12 ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉल, अगर बॉल का टोटल वॉल्यूम 1/12 है ऑफ द मोटर से, ठीक है ना, मोटर से, तो हाउ मेनी ब्रिक्स आर देयर इन द बॉल, तो बताइए कि उसमें ब्रिक्स कितने होंगे, वही फाइंड आउट करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड हियर, निकालेंगे क्या यहाँ पर कि एरिया ऑफ वॉल, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ वॉल निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वॉल निकालेंगे। तो सॉल्यूशंस करेंगे, सो इजी, यहाँ पर क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ वॉल देखेंगे। सबसे पहले देखिए तो वॉल दिया हो तो यानी कि दिया हो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। जैसे अगर बात किया जा मीटर में है, सेंटीमीटर में है, मीटर में है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को सेंटीमीटर में सारे को चेंज कर देना होगा। किस में चेंज कर देना होगा, सारे को सेंटीमीटर में अगर चेंज करते हैं तब ये बन पाएगा, अदरवाइज नहीं। तो सबसे पहले देखिए यहां पर क्या करते हैं, लिखेंगे 30, यहां पर लिए दिया हुआ क्या 15 मीटर इंटू 30 मीटर सेंटीमीटर इंटू 4 मीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा, इसे हमें सेंटीमीटर में सारे को कन्वर्ट कर देना होगा। अगर सेंटीमीटर में नहीं कन्वर्ट करेंगे तब तक ये बनेगा नहीं। तो सबसे पहले हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो देखिए तो 1500 ये आ जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर इंटू 30 तो है ही सेंटीमीटर इंटू 400 ये आ जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा कैसे करना उसको। ये कंप्लीट हुआ, उसके बाद देखिए ध्यान से, ये तो आपको यहां तक समझ में आ गया दोस्तों। अब हम यहां से करेंगे क्या, सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए तो ध्यान से, मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा सिंपल सा, ठीक है, ये आपको यहां से इतना सेंटीमीटर क्यूब प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आपको प्राप्त हो जाएंगे। अब देखिए यहां पर क्या निकालना है, अब हम लोग निकालेंगे सिंपल सा कि वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स निकालेंगे, क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स। तो देखिए ध्यान से कैसे वो निकलता है, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स हमें कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, यहां पर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ ईच ब्रिक्स, यहां पर 9 वॉल्यूम ऑफ ईच ब्रिक्स, ठीक है ना, ईच ब्रिक्स निकालेंगे। तो इसको क्या हो जाएगा, देखिए तो इसका डायमेंशन दिया हुआ है ना 22 12.5 इतना दिया हुआ, तो लिखेंगे यहां पर एल इंटू बी इंटू एच, यही तो फॉर्मूला होता है दोस्तों। अब यहां पर देखिए ध्यान से, सिंपल सा जो दिया हुआ मैं कॉन्सेप्ट को लिखता हूं, यहां पर क्या क्या दिया हुआ, 22 सेंटीमीटर इंटू 12.5 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर। आई थिंक यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसके मल्टीप्लाई करने पर क्या प्राप्त होंगे, यहां पर मल्टीप्लाई इस तरह से आपको प्राप्त होंगे, मल्टीप्लाई करने पर हमें इस तरह से हो जाएगा प्राप्त, आप जाकर मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना, सेंटीमीटर क्यूब में ये भी आपको आएंगे। अब यहां से तो वॉल्यूम ऑफ हमें ब्रिक्स पता चल गया, अब हम लोग क्या करेंगे, अब आल्सो अगर हमें निकालना होगा, आल्सो यहां पर निकालेंगे क्या कर रहा है ना, कीप दैट 1/12 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द वॉल कंसिस्ट ऑफ द मोर्टार, तो बताइए इसमें निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ मोर्टार निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ आ मोर्टार, ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, ये 1/12 दिया हो, क्या दिया हुआ 1/12, तो 1/12 दिया हो तो इसको कैसे निकालेगा, यहां पर वॉल्यूम ऑफ मींस टोटल वॉल्यूम है दिया हुआ है बॉल का इतना, तो मोटार का 1/12, यहां पर वॉल्यूम ऑफ मोटार निकल 1/12 इनटू वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वॉल कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ वॉल कर देंगे। तो देखिए ध्यान से 1/12 इनटू क्या दिया हुआ, इतना दिया हुआ, ठीक है, ये आपको सिंपल से यहां से कैलकुलेशन आ जाएगा,
ये आपका होगा 1 2 3 4 5 6 बाय 12। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से आपको गेन हुआ है, देखिएगा दोस्तों सिंपल से यहां से गेन हुआ है 1 8, ये आपको हो जाएगा इस तरह से, ठीक है 2 2 4 2 6, ठीक है यहाँ पर सिंपल से कर सकते हैं 1200। अगर इसको कैंसिल करेंगे, अगर इसको कैंसिल करेंगे तो हम लोग कितना प्राप्त कर सकते हैं, यहां से कैंसिल करेंगे तो देखिए ध्यान से यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो देखिए इस तरह से आपको प्राप्त हो जाएंगे। अगर आप जाकर चेक कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो, आपको आपके हाथ में है, या आपको यहां से प्राप्त हो जाएगा इस तरह से अगर डिवाइड करने पर तो सेंटीमीटर यहां पर से प्राप्त हो जाएंगे, यहां पर वॉल्यूम निकाला क्यूबी में प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सिंपल सा कहानी है इसका, सिंपल सा क्या कॉन्सेप्ट है, अगर मैं टोटल वॉल्यूम अब निकाल दूंगा यहां से तो इतना गेन हो गया, मैं टोटल वॉल्यूम निकालूंगा तो टोटल वॉल्यूम कैसे निकलेगा, यहां पर देखिएगा टोटल वॉल्यूम यहां पर टोटल वॉल्यूम ऑफ द ब्रेक्स इन द वॉल निकालेंगे, टोटल वॉल्यूम ब्रिक्स इन द वॉल क्या होता है, यहां पर वॉल्यूम ऑफ वॉल, यहां पर देखिए ध्यान से वॉल्यूम ऑफ वॉल निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ वॉल हो जाएगा माइनस वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा, मोटर ठीक है, यह हो जाएंगे। तो देखिए तो ध्यान से वॉल्यूम ऑफ वॉल कितना दिया हुआ, वॉल्यूम ऑफ वॉल दिया 8, ठीक है 1 8, ये आपको इस तरह से 0 है माइनस 2 2 4 2 6 यहां पर हो जाएगा 15, और ये मोटर का कितना आया 15, ये आपको है। अगर मैं इसको अगर सबट्रैक्ट करोगे, सबट्रैक्ट करने पर हमें कितना प्राप्त होंगे दोस्तों, सबट्रैक्ट करने पर हमें प्राप्त इतना हो जाएगा 165, यहां पर हो जाएंगे 2, आइए इस तरह से आपको सेंटीमीटर क्यूब प्राप्त हो जाएंगे। अब देखिए यहां पर टोटल तो आ गया, अब यहां पर नंबर से क्या निकालना है कि यहां पर बोल रहा है कि इफ द 12th ऑफ द 1/12th ऑफ द टोटल ऑफ वॉल्यूम ऑफ द वॉल का सिस्ट ऑफ द मोटर, तो हाउ मेनी ऑफ द ब्रिक्स आर देयर इन द वॉल, तो बताइए कि वॉल में कितना ब्रिक्स होंगे। तो ब्रिक्स कैसे पता चलेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अगर डिवाइड कर देते हैं तो आ जाएंगे। तो डिवाइड कैसे हो जाएंगे, सबसे पहले अगर डिवाइड करना तो बहुत समझने वाला बात है कि आप कैसे नंबर ऑफ ब्रिक्स कैसे निकालोगे, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स आपको निकाल सकते हो ऐसे इस तरह से, अगेन निकालेंगे नंबर ऑफ ब्रिक्स, ठीक है नंबर ऑफ ब्रिक्स क्या निकालेंगे, उसके बाद लिखेंगे यहां पर सिंपल सा कि टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स का, ब्रिक्स में से ठीक है इन द वॉल से अगर मैं डिवाइड कर दूं, ठीक है डिवाइडेड बाय, यहां पर देखिए सिंपल सा कहानी है, कर दे रहा हूं पेन थोड़ा नहीं चल रहा, आप देखिए यहां पर सिंपल सा एक कहानी है, अगर इसको इससे हम डिवाइड कर देते हैं वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स से, टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स इन अ वॉल, और डिवाइड करेंगे टोटल वॉल्यूम, यहां पर नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स में से इन द वॉल में से अगर वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स को हम क्या करते हैं डिवाइड कर देंगे तो एक्चुअली आंसर आ जाएंगे। तो यहां पर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ ईच ब्रिक्स, ये आपको इस तरह से होगा, देखिए कितना दिया हुआ है, टोटल वॉल्यूम हमें कितना प्राप्त हुआ 165, और यहां पर आ जाएगा सिंपल सा 2062.5, ये डेसिमल हटाएंगे तो 1 0 और आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए कितना आया, अब यहां पर सिंपल सा कैंसिल करोगे तो कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, यहां पर इस तरह से आ जाएंगे 800, नहीं आपको यहां पर और एक और 0 था तो एक यहां पर 0 कैंसिल, ठीक है। तो आपको सिंपल सा यहां पर क्या आ जाएगा 8000, यहां पर आपका आंसर प्राप्त हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 8000 आपका मिस कर सकते हैं कि ब्रिक्स आर देयर इन द वॉल, तो 8000 कितना है 8000 ब्रिक्स है वॉल में, ठीक है ना, दीवार में 8000 ब्रिक्स लगा हुआ है, ठीक है नंबर ऑफ ब्रिक्स इतना लगा है आपको। तो यहां पर सबसे पहले हमें क्या निकाले थे दोस्तों, यहां पर आपको निकाले थे वॉल्यूम ऑफ ईच ब्रिक, उसके बाद क्या निकाले थे यहां पर टोटल वॉल्यूम आपको निकाला गया था, टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स निकाला गया था, और क्या निकाला गया था
यहां पर आपको निकाला गया था, देखिए ध्यान से, यहां पर निकाला गया था क्या है यार, ये आपको निकाला गया था सिंपल सा कि वॉल्यूम ऑफ द मोर्टार, और यहाँ पर टोटल जो ब्रिक्स यूज हुए हैं जो बॉल को खड़ा करने में वो 8000 आपको यूज हुए हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर जितना शेयर कर सकते हैं, और मेरे बहुत सारे चैप्टर का सोल्यूशन है प्लेलिस्ट में जाकर आपको चेक कर सकते हो। अगर आप मेरे टेलीग्राम से लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर वहां से लिंक दिया होगा तो उससे आप जुड़ सकते हो मेरे टेलीग्राम ऐप से, क्योंकि जब भी मैं वीडियो का अगर अपलोड करूं, और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि मैं जब भी अपना वीडियो अपलोड करूं ताकि सबसे पहले आपको प्रोवाइड हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।